आज बड़ा खुश हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के मसातत से हम किसानों के साथ कपास की बुवाई के हवाले से एक मुहिम का आगाज कर रहे हैं। 2023 में पंजाब गवर्नमेंट की कावश की वजह से कपास के ज़ेर काश रकबे में खातर खा इजाफा हुआ और इस साल एक दफ़ा फिर उसी जज्बे के साथ महकमा और हम मिल के कपास की मुहिम शुरू कर रहे हैं। इस दफ़ा टारगेट है कि 4 मिलियन एकड़ से ज़्यादा रकबे पर कपास काश्त होगी पंजाब में। ज़्यादातर फोकस तो साउथ के 3 डिवीजन्स में होगा, लेकिन इसमें साउथ में रहते हुए हमारी वहाँ पे मौजूदगी है ज़िला बिहाड़ी में। ज़िला बिहाड़ी तारीखी तौर पे कपास का कैपिटल जाना जाता था। कोई ज़माना था जब ज़िला बिहाड़ी से जो कपास पैदा होती थी वो पूरे सिंध सूबे से ज़्यादा होती थी। उसके बाद फिर CLC भी आई, फिर कपास की फसल जो है उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता किसान का एतमाद उठता गया और किसान जो है वो कपास की जगह चावल और मकई की तरफ बढ़ गया। मगर अब दोबारा पिछले साल से जो मुहिम शुरू हुई है उसके बड़े खातर का नतज आए हैं। किसान को समझ आ चुकी है कि कपास में टेक्नोलॉजी आई है, जो नया सीड आया है, वराइटीज़ आई हैं, एग्रोनॉमी आई है, टाइम ऑफ सोइंग, अर्ली सोइंग खास तौर पे जो शुरू हुई है उससे कपास के ऊपर किसान का जो एतमाद नए सिरे से बहाल हुआ है। पिछले साल 4 मिलियन एकड़ से ज़्यादा रकबे पे पंजाब में कपास काश्त हुई, इस साल भी ये टारगेट है। हम अपनी तहकीक के साथ साथ जो हमारा एक्सटेंशन का आउटरीच का काम है वो भी इंशाल्लाह निभाएंगे। इसमें ज़रूरी है कि किसान बीज सही इस्तेमाल करे, उसकी सीड की ट्रीटमेंट हो। अगर हमने पैदावार जो मैक्सिमाइज करनी है तो प्लांट पॉपुलेशन पूरी हो। फिर साथ ही साथ बड़ा ज़रूरी है कि पेस्ट मॉनिटरिंग हो, पेस्ट वार्निंग हो, कीड़े मार अदवियात हैं उनका सही वक्त और सही इस्तेमाल जो है उसकी तजवीज़ हो। हमारा कैंपस है बूरेवाला में, हम ख़ास तौर पर कोशिश करेंगे कि मिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में कपास की जो मुहिम है उसमें भरपूर किरदार अदा करें। इसके लिए सेक्रेटरी ज़राअत और उनकी सारी टीम जो है वो इस वक्त फील्ड में है और वो हमें भी अपने निशाना बिछाना पाएंगे। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।